नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल पे देख ही लिया कि सर मेरा टैली सॉफ्टवेयर का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। मैं टैली सॉफ्टवेयर के सारे फीचर, सारे फंक्शन, सारे ऑप्शन के बारे में अच्छा नॉलेज रखता हूँ। यहाँ तक कि मैं टैली सॉफ्टवेयर के अंदर टैक्स इनवॉइस की एंट्री भी कर लेता हूँ। टैक्स की कैलकुलेशन भी प्रॉपर सही आती है, जैसे परचेज वाउचर हो गया, जीएसटी का सेल इनवॉइस हो गया, जीएसटी का क्रेडिट नोट हो गया, डेबिट नोट हो गया, पेमेंट रिसिप्ट, जनरल कॉन्ट्रा, यानी कि सब टाइप की एंट्री टैली सॉफ्टवेयर में इजीली कर देता हूँ। टैली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या आ रही है जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस और इनकम टैक्स को समझने में। और ये समस्या विशेषकर उन स्टूडेंट्स को आज भी हैं और आगे आने वाले टाइम के अंदर भी रहेंगी। मैं केवल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, अकाउंटेंट की बात नहीं कर रहा। स्टूडेंट कौन से? जो किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे सबसे ज़्यादा फोकस किया बिना अकाउंटिंग का नॉलेज लिए भी, क्योंकि आपको अकाउंट सीखने की ज़रूरत थी, आपने अकाउंट को नहीं सीखा, आपने डायरेक्टली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे हाथ डाल दिया और वहाँ पर आपको बुक्स के साथ आपका कोर्स कंप्लीट करवा दिया। तो ये देखते हैं उन स्टूडेंट को आज भी है और आगे आने वाले टाइम के अंदर भी रहने वाली है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोलेंगे कि हमारा टैली सॉफ्टवेयर हमने सीख लिया, टैली सॉफ्टवेयर कोई काम का नहीं है, सीखने के बावजूद भी हम लोगों को जॉब नहीं मिल रही। तो जॉब न मिलने का सबसे बड़ा फैक्ट यही होता है कि आपने अकाउंट्स को न सीख के डायरेक्टली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को सीख लिया, जबकि आपको ज़रूरत थी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को सीखने से पहले अकाउंट्स का नॉलेज लेने की, जो आपने नहीं किया। तो अगर आप लोगों को भी इस टाइप की समस्या आ रही है जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, इनकम टैक्स को समझने, लेकिन सॉफ्टवेयर आपने अच्छी तरीके से सीख लिया, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट देख लेना, ताकि आपको पता चल सके भी आपने कोर्स को करते वक्त आपसे गलतियाँ कहाँ होगी। और जो स्टूडेंट अकाउंट्स कोर्स सीखने का कोई प्लान बना रहे हैं तो उनके लिए तो ये वीडियो रामबाण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको वो सारी जानकारी देने वाले हैं भी अगर आप अकाउंट्स कोर्स सीखने की प्लानिंग कर रहे हो तो आपको किस स्टेप के अंदर सीखना है, क्या चीज़ आपको पहले सीखनी है, कौन सी चीज़ें आपको बाद में सीखनी है। क्योंकि गलती यही होती है भी जो चीज़ें हमें बाद में सीखनी होती है वो अपने पहले सीख लेते हैं, और जो पहले सीखनी होती है उसको अपने सीखते ही नहीं है। तो जॉब न मिलने का सबसे बड़ा फैक्ट यही होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है स्मार्ट कंप्यूटर रायसनगर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे भी आप लोगों को इस चैनल पर इसी टाइप की नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना और उन स्टूडेंट को शेयर भी जरूर कर देना जो अकाउंट्स कोर्स के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं टैली सॉफ्टवेयर को सीखने के बावजूद भी जॉब न मिलने का रीज़न क्या है। ठीक है, सबसे बड़ा देखो रीज़न ये होता है भी आपने टैली सॉफ्टवेयर को सीखा। अब बहुत सारे लोग यही कहेंगे कि हमने तो टैली ईआरपी सीखा था, लेकिन अभी टैली प्राइम चल रहे हैं। टैली सॉफ्टवेयर भले ही आपने ईआरपी सीखा हो चाहे आपने कोई टैली प्राइम सीखा हो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉफ्टवेयर के अंदर ये अपडेट होते रहेंगे, आगे आने वाले टाइम के अंदर भी ये आपको चेंजिंग देखने को मिलती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी गलती यही होती है ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को, गलती होने का क्या कारण होता है भी टैली सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं तो टैली सॉफ्टवेयर क्या है? एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर अपने अकाउंट से रिलेटेड वर्किंग करते हैं। तो आपको अकाउंट्स का नॉलेज पहले खुद को होना चाहिए, यानी कि आपको अकाउंट्स का नॉलेज पहले लेना चाहिए था अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को सीखने से पहले। तो आपने सबसे बड़ी गलती कहाँ पर करी? आपने अकाउंटिंग को सीखा ही नहीं और डायरेक्टली आपने टैली सॉफ्टवेयर को सीख लिया। तो सबसे बड़ी गलती आप लोगों ने यही कर दी। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हो अकाउंटेंट बनने की तो आपको सबसे पहले अकाउंट्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। अब अकाउंट्स के अंदर क्या कुछ आएगा उसके बारे में आपको मैं एक बार बता देता हूँ, फिर अपने आगे के पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग का मतलब हो गया भी आपको प्रॉपर जर्नल एंट्री के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, जर्नल एंट्री के बाद में प्रॉपर लेज़र किस तरीके से क्रिएट होते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, और उसके बाद में जो लेज़र आपने क्रिएट कर दिए उस लेज़र का उसका जो बेस है उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए भी ये जो लेज़र है इसमें कौन सा लेज़र तो ट्रेडिंग का पार्ट है, कौन सा पी एंड एल का पार्ट है और कौन सा लेज़र हमारा बैलेंस शीट का पार्ट है।
इसके बारे में आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए प्रैक्टिकल तरीके के साथ। अगर आपने इसका नॉलेज पहले अच्छी तरीके से सीख लिया, फिर आपका ये सॉफ्टवेयर काम का है, उससे पहले आपका ये सॉफ्टवेयर कोई काम का नहीं। क्योंकि उसके अगर ये चीज़ें आप नहीं सीखोगे तो जाहिर सी बात है आप सॉफ्टवेयर को कहाँ से सीख रहे हो, बुक्स के साथ। मैं ये नहीं कह रहा टेली सॉफ्टवेयर बेकार है, टेली सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसको सीखना एक बिल्कुल सीक्वेंस के साथ होता है, स्टेप बाय स्टेप इसको सीखना पड़ता है, क्योंकि ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। ये कोई टाइपिंग सॉफ्टवेयर नहीं है जिसके अंदर अपने किसी को देख के टाइप कर ले, ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। और अकाउंट्स का नॉलेज अपने को प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये चलता है, यानी कि सॉफ्टवेयर किस पे चलता है, कमांड के बेस पे। तो आपको कमांड पता होना चाहिए, और जो कमांड आप लगा रहे हो उस कमांड का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए भी, जो एंट्री मैं सॉफ्टवेयर में कर रहा हूँ इसका मेरे फाइनलाइजेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, इनकम बढ़ेगी, लायबिलिटी बढ़ेगी, एसेट बढ़ेगी, एसेट घटेगी, लायबिलिटी घटेगी, इसके बारे में आप लोगों को पहले पता होना चाहिए। और वो सारी बातें आप लोगों को कहाँ से आएगी, अकाउंट को सीखने के बाद में। तो आप लोगों को पता चल गया होगा भी आपने सबसे बड़ी जो गलती करी थी वो ये करी थी, आपने अकाउंटिंग को सीखे बगैर आपने टैली सॉफ्टवेयर को सीख लिया। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा गलती बहुत सारे स्टूडेंट ये भी करते हैं भी, मान लीजिए आपने बिना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखे आपने डायरेक्टली टैली सॉफ्टवेयर को सीख लिया या किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को सीख लिया, लेकिन वहाँ पर आपने क्या किया, कोई भी प्रैक्टिकल वाउचर के साथ आपने एंट्री करने नहीं सीखी। आप परचेज सेल पेमेंट शिफ्ट सर वाउचर की एंट्री तो कर लेते हो, लेकिन एंट्री आप लोग वही कर पाते हो जो आपके सामने बुक्स के अंदर थी या किसी नोट्स के अंदर थी, आप वही एंट्री कर पा रहे हो सॉफ्टवेयर में, प्रैक्टिकल वाउचर के साथ आपने एंट्री नहीं करी। तो दूसरी सबसे बड़ी गलती आपने ये भी कर दी। तो अब बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे भी हमारे को ये बातें अच्छी तरीके से बताई नहीं, कि हमें तो जो चीज़ें सिखाई थी वो चीज़ें हमने सीख ली। आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो भी, जो चीज़ें आपको सिखाई गई थी वही चीज़ आपने सीखी है। लेकिन अब ये जो तीन नंबर पॉइंट है, ये पॉइंट उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा काम का रहने वाला है जो अकाउंट्स और सीखने की प्लानिंग कर रहे हैं। जिन्होंने सीख लिया वो कोई दिक्कत नहीं है, जो सीखने की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए मेरा ये सजेशन रहेगा, ये सुझाव रहेगा भी आप जिस भी इंस्टीट्यूट से अकाउंटिंग कोर्स सीखोगे, चाहे आप टैली सॉफ्टवेयर सीखो, बीजी सॉफ्टवेयर सीखो, कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखो, तो आपको एक बात का आपको ज़रूर पता करना है भी जो आपके टीचर लोग हैं, यानी कि जो आपको पढ़ाएंगे वहाँ पर अकाउंटिंग से रिलेटेड, उनको खुद को अकाउंट्स के बारे में कितना नॉलेज है, ठीक है, उनको खुद को प्रैक्टिकल अकाउंट का नॉलेज कितने सालों का है, क्या वो खुद किसी इंस्टीट्यूट मतलब किसी कंपनी के अंदर पहले ऑलरेडी जॉब कर चुके हैं या अभी भी वो किसी कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं वो जहाँ पर वो अकाउंटिंग से रिलेटेड वर्किंग करते हैं। तो वो लोग आपको प्रॉपर सीक्वेंस के साथ अकाउंट्स का नॉलेज देंगे, क्योंकि अकाउंटेंट एक अच्छी तरीके से समझ सकता है। और मैं पहले बहुत सारी वीडियो के अंदर ही भी बात बता चुका हूँ, और बहुत सारे अकाउंटेंट लोग जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं वो लोग भी यही बात बोलते हैं कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको जॉब नहीं दिलवा सकता, चाहे आपने 3 महीने का कोर्स किया हो, चाहे आपने 6 महीने का कोर्स किया हो, चाहे आपने 1 साल वाला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखा हो, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको जॉब नहीं दिलाएगा जब तक आपके पास में उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को सीखने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होगा, तब तक आपको जॉब मिलने के बहुत ही चांस कम रहेंगे। तो 3 नंबर पॉइंट उन लोगों के लिए था कि अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से सीख रहे हो तो आप उस टीचर के बारे के बैकग्राउंड के बारे में आप जरूर पता कर लेना भी उसको खुद को नॉलेज उन टीचर लोगों को अकाउंट्स के बारे में कितना है, ताकि आपको पता चल सके कि अगर वो खुद आपको बुक्स के साथ सिखा रहे हैं तो इसका मतलब उन टीचर्स लोगों को खुद को भी अकाउंट्स के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, खुद को नॉलेज नहीं है तो वो आगे आने वाले टाइम के अंदर आप लोगों के लिए भी समस्याएं हो सकती है। अब रही बात टैक्सेशन से संबंधित, अपने बात करते हैं भी दिक्कतें आ रही हैं GST के अंदर, TDS के अंदर, TCS के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर, ठीक है।
अब बहुत सारे लोग कहेंगे हमने तो जीएसटी टेली सॉफ्टवेयर में एंट्री करी थी, जीएसटी टैक्स की इनवॉइस की एंट्री भी करी थी, तो वहाँ पर हमारा जीएसटी का जो टैक्स बनना था इनवॉइस पे वो बिल्कुल सही कैलकुलेशन हो गया। तो जीएसटी में इतना ही होता है, जीएसटी में इतना नहीं, तो जीएसटी के अंदर बहुत कुछ है। ये आपने जो सॉफ्टवेयर के अंदर जो एंट्री करी है और वहाँ पर आपकी जो जीएसटी की टैक्स की कैलकुलेशन सही आ गई, सीजीएसटी की हो, एसजीएसटी की हो, चाहे वो आईजीएसटी टैक्स की कैलकुलेशन हो, वहाँ सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉपर सही आ गई, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जीएसटी का जो बेसिक है, जो कुछ बेसिक बातें हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, और वो नॉलेज अभी भी आपको मैं बता रहा हूँ कब आएगा, जब आप अकाउंट्स को प्रैक्टिकल तरीके के साथ सीखोगे, एक्सपीरियंस होल्डर अकाउंटेंट लोगों के साथ अगर आप सीख रहे हो तो आप लोगों को पता चलेगा भी जीएसटी का रियलिटी के अंदर मतलब क्या होता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि टैक्स सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री कर दी, टैक्स की कैलकुलेशन सही आ गई, मतलब जीएसटी हो गया। ऐसा नहीं है, जीएसटी के अंदर आपको प्रॉपर रिटर्न्स के बारे में पता होना चाहिए भी कौन सी रिटर्न क्या काम आ रही है, कौन सी रिटर्न के अंदर किस प्रकार का हमारा रिकॉर्ड देना होता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रिटर्न होती है जिसके अंदर हमारा सेल का रिकॉर्ड देना होता है, कुछ रिटर्न ऐसी भी होती है जहाँ पर हमारा सेल और परचेज दोनों से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए भी कौन सी रिटर्न है, जैसे हमारा जीएसटीआर अगर 1 की बात करें तो अपने को पता है जीएसटीआर 1 के अंदर टोटल हमारी सेल ट्रांजेक्शन की जो भी रिपोर्ट होती है वो हमें रिपोर्ट करनी पड़ती है। अब इसके अंदर आपने रजिस्टर्ड लोगों को कितना सामान सेल किया है, अनरजिस्टर्ड लोगों को आपने कितना सामान किया है, HSN वाइज समरी आपकी क्या कर रही है, डॉक्यूमेंट आपने कितने इशू करे हैं, एग्जम्प्ट सेल आपने कितनी करी है, एग्जम्प्ट सेल करी है तो आपने इंटरस्टेट कितनी करी है, इंटरस्टेट कितनी करी है, रजिस्टर्ड लोगों को कितनी करी है, अनरजिस्टर्ड लोगों को कितनी करी है, तो ये बेस आपका पता होना चाहिए भी जीएसटी रिपोर्ट्स के अंदर हमें ये रिपोर्ट करनी होती है और ये रिपोर्ट सॉफ्टवेयर हमारा यहाँ से उठाता है। तो ये था आपका जीएसटी से मतलब कुछ बेसिक बातें बता रहा हूँ, ये नहीं भी जीएसटी यहीं खत्म हो गया, बहुत जीएसटी आगे भी बहुत है। इसके बाद में आपको टोटल जीएसटी आर 1 हो गया, 3B हो गया, 2A 2B, जीएसटीआर 9 9C के बारे में कंपोजिशन है, तो CMP 08 है, जीएसटीआर 4 है, एनुअल रिटर्न के बारे में आपको अच्छा नॉलेज चाहिए जॉब के लिए, क्योंकि आज के टाइम के अंदर टैक्सेशन से रिलेटेड इतने ज़्यादा कॉम्प्लेंस बढ़ गए हैं भी आपको ये सारी की सारी बातें तब पता रहेगी जब आप प्रॉपर मार्केट के अंदर रेगुलर अकाउंटेंट हो और आप जीएसटी के साथ अपडेट रह रहे हो, चाहे आप अपडेट गूगल से रह रहे हो, यूट्यूब से रह रहे हो, किसी बुक्स के साथ रह रहे हो, ताकि आपको पता चले कि कौन से मंथ के अंदर कौन सी जीएसटी रिटर्न है जो हमें फाइल करनी है, कौन सा जीएसटी का जो टैक्स का जो नया नियम अगर कोई एप्लीकेबल होता है तो कब से लागू होता है, वो कंडीशन हमारी कंपनी के ऊपर लागू होती है या नहीं होती है, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो हमें अप टू डेट रहने के बावजूद ही पता चलेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर आपने सीख लिया, सॉफ्टवेयर के अंदर टोटल आपने एंट्री करनी सीख ली, फंक्शन के बारे में सीख लिया भी अगर आपने किसी फंक्शन को यस करते हैं तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, फंक्शन को नो कर दिया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये फंक्शन होते हैं, ठीक है। किसी फंक्शन को रिपोर्ट को और ज़्यादा डिटेल के साथ एनालिसिस करने के बाद में डिटेल के साथ देखने के लिए हमें कुछ फीचर्स को इनेबल करना होता है, किसी को हमें नो रखना पड़ता है, यानी कि किसी को यस या किसी को नो रखना पड़ता है, वो सॉफ्टवेयर की बातें होती हैं। तो आपने सॉफ्टवेयर तो सीख लगा लेकिन आपको ये बेसिक बातें ये भी पता होनी चाहिए। तो अब बहुत सारे लोग कहेंगे भी इन बातों को हमें सीखें कहाँ से, तो अब इन बातों को सीखने के लिए आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। आप सी ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो, किसी अकाउंट टैक्स जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट होते हैं उनके पास रह सकते हो, एडवोकेट के पास में रह सकते हो। अगर बहुत सारे लोग कहेंगे भी हमारे पास इन लोगों के पास जगह ही नहीं है, तो आप बने किसी अकाउंटेंट का पेड कोर्स आपको जो चूज करना पड़े तो आपको करना पड़ेगा अगर आप अकाउंटेंट की फील्ड में आगे आना चाहते हो तो, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज के बगैर आपका मार्केट में कुछ नहीं है। इसके अलावा TDS की अगर अपने बात करते हैं तो TDS की रिटर्न के बारे में पता होना चाहिए, सेक्शन के बारे में अपने को पता होना चाहिए भी कौन सा सेक्शन के ऊपर TDS हमें काटना है, TDS काटने की लाइबिलिटी हमारी कंपनी के ऊपर है या नहीं है, सेक्शन क्या कहते हैं, उनकी लिमिट क्या कहती है, तो इसके बारे में अपने को पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। TDS डिडक्ट करने की कंडीशन क्या है, डिडक्शन अगर अपनों ने कर लिया तो अपने इसको डिपॉजिट कब करवाना है,
रिटर्न अपने को किस तरीके से फाइल करनी है, TDS की है चाहे वो TCS की है, फिर TCS है तो TCS हमें कलेक्ट करना होता है, तो कलेक्ट करने की कंडीशन क्या होती है, हमारी क्या कंडीशन है, हमारा जो बायर है उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो इसका आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। और ये प्रैक्टिकल नॉलेज आपको अकाउंटेंट ही दे सकते हैं, जो अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर आपको सिखाने के साथ साथ अकाउंटिंग खुद भी कर रहा हो। बात करते हैं अपनी इनकम टैक्स के बारे में। तो इनकम टैक्स के बारे में आपको सबसे पहले जो आपकी बुक्स फाइनलाइजेशन है उसका नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा इनकम टैक्स किस पे लगना होता है, टोटल हमारी इनकम पे। अब टोटल आपकी इनकम कितनी है, तो इनकम आपके बुक्स से आपको देखनी पड़ेगी। तो बुक्स के देखने के बाद आपको स्टेप बाई स्टेप पता होना चाहिए भी हमें ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाना है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपका नेट प्रॉफिट निकलना है। अब नेट प्रॉफिट आपका कितना आया है तो वो आपकी सारी बातें ट्रेडिंग अकाउंट पे भी डिपेंड करेगी, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से आपका ग्रॉस प्रॉफिट आना है, और ये ग्रॉस प्रॉफिट आपका कैरी फॉरवर्ड होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, क्योंकि ये इनकम आपकी अदर इनकम के साथ ऐड होगी। और उसके बाद टोटल आपके एक्सपेंसेस माइनस होने के बाद आपका नेट प्रॉफिट बचता है, जो कि हम कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। तो इन सब बातों का अगर आपको नॉलेज है तब जाके आपके मार्केट के अंदर आपको जॉब मिलने के चांस बने रहेंगे, अदरवाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको जॉब नहीं दिलवा पाएगा। तो आई होप कि आज के इस वीडियो से आपकी जो कमियां थी अकाउंटिंग कोर्स को सीखते वक्त वो भी आपको पता चल गई होगी, और जो लोग सीखना चाहते हैं तो उन लोगों को भी पता चल गया होगा कि अगर हमें सीखना है तो हमें सीखने की शुरुआत किस तरीके से करनी है। तो एक बार फिर से आपको मैं बता दूं कि आपको डायरेक्टली किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे फोकस ना करने के बजाय आपको अकाउंट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपको अकाउंट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस आप लोगों को रखना पड़ेगा। फिर भी अगर इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, चाहे वो वीडियो के थ्रू हो चाहे वो मैसेज के थ्रू हो। तो आज की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फायदा भी हो सके।